अच्छा ये हमारा पार्ला देखा तो बीपीटी डाला जो नारा है, तो ये हमें बच्चे बोलेंगे यहाँ पर एबी पार्ला टू पीक्यू, गिवन है एबी पार्ला टू पीक्यू, तो इसका क्या बीपीटी होगा? एबी पार्ला टू पीक्यू, ए बी जो है पार्ला टू पीक्यू है, तो क्या बीपीटी होगा? बच्चे लोग बोलेंगे सर आकाश पात्र बोले एबी पार्ला टू पीक्यू का क्या बीपीटी होगा? सर ओए बाई एपी इक्वल टू ओबी बाई बीक्यू, वेरी गुड, ये आएगा ओए बाई कितना एपी, ओए बाई एपी इक्वल ओबी बाई बीक्यू, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका जो पार्लर दिया इसका विपरीत डाल दोगे, ये ओए बाई एपी इक्वल ओबी बाई बीक्यू है। अच्छा ये बाय बीपीटी, ओके ये क्वेश्चन वन, ओए बाय ओपी इक्वल ओबी बाय बीक्यू। नेक्स्ट पार्लर दिया है एसी पार्लर टू पीआर, एसी पार्लर टू पीआर, सर ओए बाय एपी इसको पूछूंगा वही बोलेगा एसी पार्लर टू पीआर, ओके एसी पार्लर टू पीआर, एसी पार्लर पीआर है शुभम एन शुभम राजारण विश्वास सलोनी सुब्रत सुरभि, सुब्रत बोलिए ओए पार्लर एसी पार्लर टू पीआर, एसी पार्लर टू पीआर इसका बीपीटी क्या होगा? एबी पार्लर टू बीक्यू का डाल दिए ओए बाई ओपी इक्वल टू ओबी बाई बीक्यू, एसी पार्लर टू पीआर का क्या होगा? सुरभि बोलो, सुरभि हो सुरभ सौरभ हो बोलो, एसी पार्लर टू पीआर का क्या बीपीडी आएगा? पीयूष बोलो, पीयूष yes, बोलो इसका एसी पार्लर टू पीआर दिया है सर, सर ओए बाय एपी, ओए बाय एपी इक्वल टू ओसी बाय सीआर, ओए बाय एपी इक्वल टू ओसी बाय सीआर, कोई बात नहीं, ओए बाय एपी इक्वल ओसी बाय सीआर बाय बीपीटी इक्वेशन टू हो गए, ओए बाय एपी इक्वल टू ओसी बाय सीआर। एक बात है बच्चे, दोनों ट्रायंगल में कॉमन कौन मिलेगा बोलिए, दोनों ट्रायंगल में कॉमन कौन है? जो ओए बाय एपी, पीओ सर पीओ, दोनों ट्रायंगल में ओए बाय ओपी इक्वल है, इक्वल है क्या एनएचएस ऑफ इक्वेशन वन एंड टू, जब लेफ्ट हैंड इक्वल होगा राइट हैंड इक्वल होगा, यस सर इक्वलाइज ओए बाय एपी, इक्वलाइज ओए बाय एपी ऑफ इक्वेशन वन एंड टू ऑफ इक्वेशन वन एंड टू, हमारा लेफ्ट हैंड जब इक्वल होता है तो राइट हैंड इक्वल होता है, ओबी बाई बीक्यू इक्वल ओसी बाई सीआर, जब लेफ्ट हैंड इक्वल होता है ओबी बाई बीक्यू, जब लेफ्ट हैंड इक्वल होता है राइट हैंड इक्वल होगा ओबी बाई बीक्यू इक्वल ओसी बाई सीआर, ओसी बाई सीआर, जब लेफ्ट हैंड इक्वल होता है तो राइट हैंड ओबी बाई बीक्यू इक्वल ओसी बाई सीआर। अच्छा एक बात बोले, हमें प्रूव करना था बीसी पार्लर टू क्यूआर, हमें प्रूव करना था ये बीसी जो है क्यूआर से पार्लर बोल के हमें प्रूव करना था, जब ओबी बाई बीक्यू, ओबी बाई बीक्यू इक्वल टू ओसी बाई सीआर, तो बीसी पार्लर टू क्यूआर क्या रीजन है? मुझे सुरभि बोलो, सुरभि शिक्षा ज्योति बोलो, सताई सताई बोलो, जब हमारा ओबी बाई बीक्यू इक्वल टू ओसी बाई सीआर हो गया बीसी पार्लर टू क्यूआर क्यों है? हमारा यहाँ पर तो क्या ओबी बाई बीक्यू इक्वल टू ओसी बाई सीआर आया, इक्वल आई तो एलएचएस तो आरएचएस इक्वल हो गया, तो ओबी बाई बीक्यू इक्वल टू ओसी बाई सीआर हुआ, ओबी बाई बीक्यू इक्वल टू ओसी बाई सीआर हुआ, तो बीसी पार्लर टू क्यूआर क्यों है?
क्या रीजन है? जब ओबी बाई बी क्यू इक्वल टू ओसी बाई सी आर हुआ तो बीसी पार्लर टू क्यू आर क्यू है, बीसी जो है पार्लर टू किसे क्यू आर है, क्या रीजन है? सर जब ओबी बाई बीपीटी फॉर्मूला से, क्योंकि मतलब ये बीपीटी सर क्योंकि ओबी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ये बीपीटी नहीं है, मतलब उसका उसका पैरेलल हाँ सर उसका पैरेलल वाला जो जब बीपीटी कॉन्वर्स बीपीटी कॉन्वर्स क्या होता है जानते हो? सुरभी बोल रहे हो ना, सताई बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? हाँ कॉन्वर्स थ्योरम। हाँ बीपीटी कॉन्वर्स क्या था सर? मैं सताई हूँ। बोलो बीपीटी कॉन्वर्स क्या था सर? अगर एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल में क्या होता है बोलिए, मतलब अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन अगर सर मतलब साइड का रेशियो एक ट्रायंगल में दो साइड एक साइड अगर मतलब वो एक रेशियो में होता है तो अगर AD by DB equal to AE by EC होता है, अगर AD by DB equal to AE by EC होता है तो देन क्या होगा? AD by जब AD by DB equal to AE by EC होता है देन क्या होगा? उत्तर हमें बोलिए, अगर एक ट्रायंगल में AD by is equal to सर पैरेलल होगा दोनों DB पैरेलल टू BC, एक ही उत्तर हमें सब समझते हैं और कोई नहीं समझता है। ओके अगर एक ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल आता है, अगर एक ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल आता है, ओके अगर एक ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल आता है तो दो दो लाइन पैरेलल होता है, ये बीपीटी कॉन्वर्स है। अरे सुरभि, सुरभि एंड सौरभ, सुरभि एंड सौरभ क्या सुन नहीं पा रहे हो ना बोल नहीं पा रहे हो, क्या बात है? सुरभि है, सौरभ शायद चला गया। सुरभि कुछ नो रेस्पॉन्स, अच्छा ठीक कोई बात नहीं। तो यहां पर भी बच्चों सेम हुआ, जब ओबी बाई बी क्यू इक्वल टू ओसी बाई सी आर हुआ देन बीसी पार्लर टू क्यू आर क्यू हुआ। शुभम दास जब ये साइड का रेशियो इक्वल हुआ ओबी बाई बी क्यू कर ओसी बाई सी आर हुआ देन बीसी पार्लर टू क्यू आर क्यू हुआ। शुभम दास, सुरभि, सतायु, यस सर, बोलो जब ओबी बाई बी क्यू कर ओसी बाई सी आर हुआ तो बीसी पार्लर टू क्यू आर क्यू है सर? क्योंकि ये कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी का है, अगर दो साइड मतलब सेम रेशियो में होगा तो वो थर्ड वो जो लाइन है वो थर्ड को पैरेलल करेगा। ओके ये थर्ड लाइन जो है पैरेलल होगा। वेरी गुड, ये बीपीटी कन्वर्स बाय बीपीटी कन्वर्स। ओके तो ये हमारा प्रूफ बच्चों हो गया। ओके कोई डॉट दे रहा है कुछ काम नहीं है तो इसलिए साइड और अब पता चल जाएगा जो डॉट देगा। तो बीसी क्यूआर हुआ बच्चों? यस सर। तो बहुत इजी था, इसका पैरेलल दिया तो इसका बीपीटी डाल दिया, इसका पैरेलल दिया तो इसका बीपीटी डाल दिया, लास्ट को फाइनली दोनों इक्वेशन में जरूर इक्वल मिलेगा, मिला हमें, उनका इक्वल करने से ये आ जाएगा। ये आने के बाद ओबी बाई बी क्यू आर वो सी सी आर सी आर देन बी सी पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा बाई बी पी डी कन्वर्स, अप्रूव्ड ऑटोमेटिक हुआ। दो पैरेलल दिया तो उसका बी पी डी डाल दी, ऑटोमेटिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो जो क्वेश्चन हम छोड़े थे ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या बोल रहा है? एक ट्रायंगल है। ओके यहाँ पर बोल रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मिड पॉइंट कन्वर्स, सॉरी
overlap the line from the midpoint of one side of a triangle, parallel to the another side, parallel to the another side, ये parallel करेगा, okay? तो ये जो है parallel to the another side and bisect the third side, then ये equal ये होगा, बोल के हमें प्रूव करना है मिड पॉइंट का कन्वर्स गिवन है द लाइन ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है द लाइन ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल ओके कोई भी नाम ले लीजिए ए बी सी डी ई ये गिवन है गिवन है दोनों चीज गिवन है द लाइन ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ट्रायंगल ये गिवन है डी इज द मिड पॉइंट दैट इज एडी इक्वल टू क्या डीबी गिवन है ये गिवन है एडी इक्वल टू योर बीडी गिवन है द लाइन ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ साइड और भी क्या गिवन है एंड पार्लर टू द अनदर साइड और भी क्या गिवन है डी पार्लर टू बी सी ये भी गिवन है The line draw the midpoint of one side parallel to the second side, then bisect the third side. हमें prove करना है। ये तो बीडी होना चाहिए ना। Midpoint का convert, then bisect the third side. कुछ? No sir, AD equal to BD होना चाहिए ना बीडी लिख क्या हुआ मानस कुछ problem है? Okay. सर अब वो AD equal to BB लिख दिया। AD equal to DB लिखा था BB लिख दिए। Oh, BB को लिख दिया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तो बीबी बार बार याद आ रहा है क्या करेंगे अच्छा देखिए एडी बाय डीबी होगा वेरी गुड वाओ थैंक यू वाला सभी एडी बाय डीबी गिवन एडी इक्वल टू डीबी दिया है राइट एडी इक्वल डीबी ओके और क्या दिया डी पार्लर टू बी सी दिया है ठीक है ये दोनों दिया है हमें टू प्रूफ क्या करना है बच्चों सर दोनों के साइड को जो एल माने गिवन है द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल द सेकंड साइड एंड बाईसेक्ट द थर्ड साइड हमें टू प्रूव करना है ए इक्वल टू कितना ईसी ईसी ओके हमें ये प्रूव करना है द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल द सेकंड साइड एंड बाईसेक्ट द थर्ड साइड हमें प्रूव करना है ए इक्वल टू क्या ईसी प्रूव करना है देखिए प्रूफ देखिए अच्छा बच्चों बीट पार्लर देखा तो बीपीडी डाला क्या हुआ देखिए इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी डी पार्लर टू बीसी जब डी पार्लर टू बीसी है तो इसका बीपीडी क्या होगा मानस बोलिए इन ट्रायंगल एबीसी डी पार्लर टू बीसी इसका बीपीडी क्या होगा ये गिवन है डी पार्लर टू बीसी तो इसका बीपीडी क्या होगा मानस वेरी गुड वेरी गुड ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए डी बाई डी बी इक्वल ए बाई सी ओके ये बाई बीपीडी हो गया क्या ये कितना नहीं लिख रहा ओके ये बाई बीपीडी हो गया बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ऑर्थोगोनल थ्योरम ठीक है तो जब ये पार्लर दिया तो अच्छा जब ये पार्लर दिया गिवन है डी पार्लर टू बी सी इसका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हो गया ए डी बाई डी बी इक्वल ए बाई सी अच्छा मैं ए डी और डी बी को काट सकता हूँ क्यों काट दूंगा दोनों इक्वल है सर इक्वल टू क्या एडी इक्वल टू डीबी गिवन था बच्चों देखिए एडी इक्वल टू डीबी गिवन है कि नहीं देखिए एडी इक्वल टू डीबी गिवन था बोल के मैं एडी और डीबी को काट दूंगा बच्चों ठीक है देन मेरे इसी इक्वल टू क्या हो गया ए कैसे इसी इक्वल ए कैसे हो गया डिवाइड इसी क्या होगा उधर इनटू हो गया बच्चों ओके डिवाइड इसी उधर इनटू हो गया ओके इसी इक्वल टू क्या हो गया ए हो गया
अच्छा मैं प्रूव क्या करना था? तो वही सर, वही प्रूव करना था, ए इक्वल टू सी। अब प्रूव हो ही होला क्या? प्रूव हो ही होला आगे ए सी इक्वल टू ई। ठीक है, ये हमारे मिड पॉइंट का कन्वर्स था कि गिवन था कि द लाइन ड्रॉन मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट था एट इक्वल टू बी, पार्लर टू सेकंड साइड दिया था, पार्लर दिया था बोल के बीपी डाला, हमें प्रूव करना था इक्वल टू सी। ये कट जाएगा, वन आ जाएगा, डिवाइड इसी इनटू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह देखिए, ये समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझे सर। आज जो बहुत बच्चे ये एब्सेंट थे, जो जो बच्चे एब्सेंट थे घर को कॉल होगा, जो जो बच्चे एब्सेंट होते हैं वो सौरभ को आज ये होगा, ये वो सुरभि भी क्या कुछ आंसर नहीं दे रही है, जो जो बच्चे एब्सेंट होते हैं आंसर नहीं दे रहे हैं आज घर को कॉल होगा। सुब्रत, सुब्रत, सुब्रत क्या? यस सर। ठीक है, रेस्पॉन्स करो कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा। नेक्स्ट देखिए, हो गया बच्चों? हाँ सर, हाँ सर, होगा। ये गिवन है कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना है। ओके, गिवन यहाँ पर द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, सो वो डी इसका मिड पॉइंट है, ये गिवन है, डी मिड पॉइंट बोलते हैं, और ई एक तो मिड पॉइंट है किसका? एस सी। ई मिड पॉइंट एस सी का है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है द, हाँ, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी भी गिवन है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट से जोड़ता है, इज पार्लर टू द थर्ड साइड, हमें मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना है। अच्छा, ये पार्लर कब होगा? कौन बोलेगा पार्लर डी पार्लर टू बी सी कब होगा? कौन बोलेगा? सर, 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 जब सर, जब ए डी बाय डी पी बाय डी बी बोल रहा है, कौन बोल रहा है? एक ही बोलिए, ये एक ही बोलिए, कोई एक ही स्टूडेंट बोलिए, अस्मित बोलो, डी पार्लर टू बी सी कब होगा? सर, जब हम AD by DB equal to 1 और AE by EC equal to 1 कर देंगे, तब वो AD by DB equal to AE by EC, तो DE parallel to BC होगा। मेरा क्वेश्चन था, DE parallel to BC कब होगा? सर, by converse of basic proportionality theorem। मेरा क्वेश्चन है, DE parallel to BC कब होगा? जब AD by DB equal to AE by EC कर दोगे, जब AD by DB equal to AE by EC कर दोगे, तभी तुम्हारा क्या होगा? D parallel to BC होगा। D parallel to BC। क्या रीजन है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। बाय BPD कन्वर्स। ओके। बाय BPD कन्वर्स होगा। ओके। ठीक है। जब AD by DB equal to DB, AD by DB equal to AE by EC होगा, then D parallel to BC होगा, जो हमें प्रूव करना है। ओके। अच्छा, AD by DB equal to AE by EC कब होगा? जब सर दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। हां, दोनों का वैल्यू इक्वल। अच्छा, AD by DB का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। 1 आएगा सर। 1 से AD इक्वल टू क्या? मिड पॉइंट। AD इक्वल टू DB है। ये कट जाएगा। ये कट जाएगा उसका। जब AD इक्वल टू DB है, ये कट जाए, ये और ये कट जाए, इसका वैल्यू 1 आएगा। अच्छा, AE by EC का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। 1 सर। सिंस पर गिवन है A equal to EC, ये भी इक्वल है। ओके, A equal to EC एक मेरा गिवन है। ओके, इसलिए कट जाए, इसका वैल्यू 1 होगा। अच्छा, इक्वल है तो RHS ऑफ इक्वेशन 1 into, इक्वल है तो RHS ऑफ इक्वेशन 1 into। ओके, इक्वल है तो RHS ऑफ इक्वेशन 1 into क्या आएगा? ओके, जब राइट हैंड इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड इक्वल होगा, इक्वल लाइक आरएचएस ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। जब लेफ्ट,
जब राइट हैंड इक्वल हो गया तो लेफ्ट हैंड इक्वल होगा, ए डी बाई डी बी इक्वल ए बाई सी, जब ए डी बाई डी बी इक्वल ए बाई सी होगा देन डी पार्लर टू बी सी हो जाएगा। 10 मिनट्स के बाद फिर से वही को क्लिक करके आना है, बहुत बच्चे नहीं आ रहे हो, वही लिंक को क्लिक करके आना है। ओके, जब ए डी बाई डी बी इक्वल ए बाई सी हो गया, अपन जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल हो जाएगा, जब एल एच एस इक्वल है ये है, जैसे अश्विन बोला था सही बोला था, ए डी बाई डी बी का वैल्यू 1 आएगा, ए बाई सी का वैल्यू 1 होगा, इसलिए दोनों इक्वल होगा, इसलिए जब ये दोनों जब इक्वल होगा तो डी पार्लर टू बी सी होगा बाई बी पी टी कन्वर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन में तो नेमिंग गलत दिया है, अरे क्वेश्चन में तो दिया है ट्रापेज़ियम, लेकिन इसमें कुछ गलती है, सर आपने नेमिंग नेमिंग गलत दिया, सर नेमिंग क्या गलत दिया, ये एबीसीडी ट्रापेज़ियम तो ये तो मैं लिखा हुआ एबीसीडी ट्रापेज़ियम, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोग डायगोनल्स इंटरसेक्ट की चल रहा, अच्छा ठीक है, मैं डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर दे रहा हूँ, सर सी पॉइंट बी के साइड में होना चाहिए, रुकिए सर, सीक्वेंस में नहीं है सर नेमिंग, वो ए बी सी, फिर क्या, फिर भी गलती है, फिर भी कहाँ गलती है, सीक्वेंस में नहीं है, आपने बोला था कि साइकिल वाइज नेमिंग था ना, नेमिंग में सर नेमिंग में गलती है, साइकिल में गलती है, और ठीक है, तो यहाँ पर नेमिंग में गलती है बच्चों, एक्चुअली यहाँ पर अगर ऐसा करके तुम प्रूव करोगे या कभी प्रूव नहीं होगा, तुम्हें साइकिल में जाना है, ओके ठीक है, ए बी सी डी, और भी एक तो बात देखना है, यहाँ पर बोल रहा है ए बी सी डी साइकिल में जाना है, अगर ऐसा इधर डी इधर सी और इधर डी लोगे काफी प्रूव नहीं होगा, ओके कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ओके सेकंड में साइकिल में जाना है, सेकंड बात और एक बात है, यहाँ पर बोला था ए बी पार्लर टू डी सी, ए बी जो है ना वो डी सी से पार्लर है, सी डी से नहीं, ए बी और डी सी दोनों का डायरेक्शन सेम रहना है, ए बी पार्लर टू डी सी बोला है, सी डी नहीं बोला, ये भी देखना है, ए बी पार्लर टू डी सी, ओके अच्छा, कोई कुछ मैसेज कर रहा था, अच्छा क्या है कि सर मेरा माइक नहीं काम नहीं करता, सूरज भी ओके नो प्रॉब्लम, सूरज भी जो भी है तुम थोड़ा मैसेज कीजिए, ओके कोई बात नहीं, ओ वेरी गुड, तुम यहाँ पर भी दिए हो आंसर, वेरी नाइस, ओके और ऐसे रेस्पॉन्स करना है, नहीं तो मुझे लगेगा तुम लोग सो गए होगे, और ए बी सी डी जब ट्रापेज़ियम जिसमें ए बी पार्लर टू डी सी है, ओके एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ है, बच्चों यहाँ पर ये ए बी का जो डायरेक्शन है, ए बी का जो डायरेक्शन है डी सी का वही डायरेक्शन होना है, ओके अच्छा हमें टू प्रूफ बच्चों करना है, तो यहाँ थोड़ा गिवन लिख दीजिए बच्चों, गिवन लिखना है कि ए बी पार्लर टू बी सी, बी सी ओके गिवन है हमारे ए बी पार्लर टू डी सी है, और टू प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ ये करना है हमारा एओ बाई ओ बी इक्वल टू सी ओ बाई कितना डी ओ, ये हमें प्रूफ करना है, देखो अच्छा देखो यहाँ पर बच्चे कंस्ट्रक्शन है, यह कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ये क्या है, जो डी कंस्ट्रक्शन ये है, जो जो भी नाम लिखी है ए बी सी डी ई एफ, जो भी एक तो नाम लिखिए, ओके ए बी सी डी है, ई एफ ओ ओ ई लिख देता हूं, वही पार्लर टू किसे ए बी, फिर ए बी किसे पार्लर है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ पार्लर टू ए बी, और ए बी किसे पार्लर है क्या डी सी से, ठीक है कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ पार्लर टू ए बी, फिर ए बी पार्लर टू डी सी की वह ना हमारा, ओके अच्छा देखिए प्रूफ कैसे करें, पहले मैं समझा दूंगा उसके बाद बच्चे लिखूंगा, देखो हमें प्रूफ करना है ए ओ बाई बी ओ, हाँ ओके देखिए हमें प्रूफ करना है, थोड़ा पहला मैं समझा दूंगा उसके बाद जाके बच्चों आपको बनाएंगे, पहला प्रूफ करना है एओ बाई
देखिए पहला प्रूफ करना एओ बाई हमारा क्या होगा, ओसी आएगा, एओ बाई ओसी आएगा, ये ओसी आ सकता है, ये पहला एओ बाई ओसी मैं समझाऊंगा उसके बाद बच्चे करूंगा। एओ बाई ओसी देखो डिवाइड ओसी जो इधर नीचे ला सकते हो, ये एओ बाई ओसी बीओ उधर ले सकते हो, उनको एक्सचेंज कर सकते हो, ये बीओ इंटू होगा सीओ इधर आ सकते, इन दोनों को एक्सचेंज हो सकता है। एओ बाई सीओ इक्वल टू पर ओबी बाई डीओ आएगा, तो ये थोड़ा एक्सचेंज करोगे पहला स्टार्टिंग में उसको एक्सचेंज करोगे, बाद में फिर उसको फिर एक्सचेंज कर दोगे। देखो हमारा देखो एक काम करोगे यहाँ पर है ना, जो ए बाई ई डी ये कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन ए बाई ई डी आएगा क्योंकि दोनों इक्वेशन को इक्वालाइज करेगा। देखो एक करोगे, एक करोगे ईओ पार्लर टू डीसी, ईओ पार्लर टू डीसी का बीपीडी क्या आएगा, कौन बनेगा, ईओ पार्लर टू डीसी का बीपीडी क्या आएगा सर, ओए बाई ई बाई, हां ए बाई क्या, ओए बाई ए बाई ई डी, अच्छा इक्वल टू ए बाई ई डी इक्वल टू क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या जानते हो, एओ बाई यूसी, दोनों में ए बाई ई डी कॉमन आएगा। देखो ए बाई ई डी इक्वल टू ईओ पार्लर टू डीसी, तो एओ बाई ओसी आएगा, ये एक तो पीपीडी आएगा बच्चों, जब ये पार्लर है इसके साथ डीसी के साथ, जब पार्लर है ये, जब डीसी के साथ पार्लर है ए बाई ई डी इक्वल एओ बाई ओसी, ये एक इक्वेशन आएगा बच्चों, कौन नहीं समझा, ए बाई ई डी इक्वल टू एओ बाई ओसी, जब ईओ पार्लर टू किसे डीसी, ईओ पार्लर टू डीसी तो इंटर एंगल ए डी सी, ए बाई ई डी इक्वल टू एओ बाई ओसी आएगा, एओ बाई क्या, अच्छा अभी ये इंट्रैंगल एडीसी हो गया, अभी क्या करो बच्चों, इंट्रैंगल ले लो योर डाब, इंट्रैंगल डाब ले लो नेक्स्ट, अच्छा बोले ये इससे पार्लर है क्या बीपीडी आएगा, इंट्रैंगल डाब ए बाई ई डी क्या होगा, बोले डीओ बाई ओबी, देखिये बोल दे रहा हूँ इंट्रैंगल डाब द्वारा ईओ पार्लर टू एबी, तो इसका बीपीडी आएगा ए बाई ई डी इक्वल टू बीओ बाई क्या डीओ, बीओ बाई ओबी सर, बीओ बाई बीओ बाई डीओ, फिर से बोल रहा हूँ पहला ए बाई ई डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन आएगा बच्चों, पहला ये इंट्रायंगल एडीसी क्या हुआ, ए बाई ई डी इक्वल टू ए बाई ई डी इक्वल टू एओ बाई एसी आया, इंट्रायंगल एडीसी ईओ पार्लर टू डीसी है, ईओ पार्लर जब डीसी है ए बाई ई डी इक्वल एओ बाई ओसी, एक इक्वेशन आया, इंट्रायंगल डाब ईओ पार्लर टू एबी, तो ये भी आएगा ईओ पार्लर टू जब एबी है ए बाई ई डी इक्वल टू बीओ बाई ओडी आएगा, इक्वल आए तो एल एच एस इक्वल आए, जब एल एच एस करोगे आर एच एस इक्वल आ जाएगा क्या, एओ बाई कितना ओसी इक्वल टू बीओ बाई क्या ओडी, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ओबी इंटू है इधर नीचे ले आओगे और ओसी नीचे है ऊपर ऊपर ले लोगे, जो कि हमें प्रूव हो जाएगा, समझ गए बच्चों, दोनों ट्रायंगल में क्या निकालना है, ए बाई ई डी निकालना है, समझे कि नहीं समझे, कौन नहीं समझा, समझ गए, इंट्रायंगल ए डी सी ए बाई ई डी इक्वल एओ बाई ओसी बाई बीपीटी, क्योंकि यू पार्लर टू डीसी था, इंट्रायंगल ए डी बी ईओ पार्लर टू ए बी है, तुम्हें दोनों ट्रायंगल में ए बाई ई डी चाहिए, ए बाई ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बीओ बाई ओ डी, इक्वल आए तो एल एच एस दोनों में ए बाई ई डी कॉमन रखना है, इक्वल आए तो एल एच एस आर एच एस इक्वल हो जाएगा, ये आएगा, आने के बाद ये इधर लाओगे और ये उधर ले लोगे, इसे हाँ इसे कहते हैं ऑल्टरेंडो, ऑल्टरेंडो इसे कहते हैं, ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, ठीक है, सर इसको तो सर वो एंगल से भी प्रूफ मतलब डबल एंगल से भी तो प्रूफ कर देंगे सिमिलरिटी सर, उसके बाद फिर एसएस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से सर वो वाला प्रूफ कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में बोला था बाय यूजिंग बीपीडी, ओह यस, इसको तो हम सिमिलर ट्रायंगल्स में भी प्रूव कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उसको यूजिंग बीपीडी करना है, ओके जब सिमिलर ट्रायंगल करेंगे उस टाइम में भी बोलेंगे ओके कैसे प्रूव होगा, फिलहाल हम करते हैं, चलिए लिखिए इंट्रायंगल एडीसी,
तो प्रूव लिखिए इन ट्रायंगल एडीसी ईओ पैरेलल टू डीसी, लिखिए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ईओ पैरेलल टू डीसी। तो ये तो कर दिया। अच्छा, जब ईओ पैरेलल टू डीसी है इन ट्रायंगल एबीसी ईओ पैरेलल टू डीसी, जब पैरेलल देखा तो बीपीडी डाला, बीपीडी क्या आएगा ए बाई ई डी इक्वल एओ बाई एससी, ए बाई ई डी इक्वल टू ओके ए बाई डी इक्वल एओ बाई एससी, ये बाय बीपीडी ओके। अच्छा नेक्स्ट बच्चों सेम थिंग इन ट्रायंगल डीएबी और नहीं तो इन ट्रायंगल एडीबी ईओ पैरेलल टू एबी ओके, सेम थिंग लीजिए इन ट्रायंगल एडीबी ईओ पैरेलल टू एबी, इन ट्रायंगल एडीबी ईओ पैरेलल टू एबी, ठीक लिखे कि नहीं देखिए इन ट्रायंगल एडीबी ईओ पैरेलल टू एबी ओके, ईओ पैरेलल टू एबी ठीक लिखे, तो इसका क्या बीपीडी आएगा, दोनों में मुझे एडी बाई डीबी चाहिए सर, ए बाई ईडी चाहिए, दोनों में मुझे ए बाई ईडी चाहिए एलएचएस में, इसका बीपीडी क्या होगा ए बाई ईडी इक्वल टू बीओ बाई ओडी, ए बाई ईडी इक्वल टू बीओ बाई क्या देखिए ए बाई ईडी इक्वल टू बीओ बाई ओडी ओके, दोनों में बच्चों ए बाई ईडी चाहिए ए बाई ओडी, ए बी बाई बीपीडी इक्वेशन टू ओके, तो ए बाई ईडी इक्वल टू बी बाई डी, बच्चों दोनों ट्रायंगल मुझे ए बाई ईडी चाहिए, ये बड़ा ट्रायंगल एडीसी में ए बाई ईडी चाहिए ए बाई ईडी इक्वल टू ए बाई ओसी, और इस ट्रायंगल में मुझे ए बाई ईडी चाहिए इन ट्रायंगल एडीबी ए बाई ईडी इक्वल टू बी बाई डी ओ, देन इक्वल आए तो ए बाई ईडी ऑफ इक्वेशन वन एंड टू ओके, इक्वल आए तो ए बाई ईडी ऑफ इक्वेशन वन एंड टू ओके, जब तुम्हारा लेफ्ट हैंड इक्वल हो गया, जब तुम्हारा लेफ्ट हैंड इक्वल हो गया राइट हैंड इक्वल होगा एओ बाई ओसी इक्वल टू बो बी ओ बाई ओडी, राइट हैंड एओ बाई ओसी इक्वल टू हाँ लेफ्ट हैंड इक्वल होता है एओ बाई ओसी इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ, लेकिन हमें क्या करना है ये हाँ ये थोड़ा ऑल्टरनेट हुआ है ओके, ऑल्टरनेट हुआ है देन एओ इंटू बी ओ इधर डिवाइड होगा, यहाँ पर डिवाइड हो सी उधर इंटू हो जाएगा बाई ऑल्टरनेट हो, ये रेशियो प्रोपोर्शनल का है ओके, ये ऑल्टरनेट हुआ है तो हमें प्रूव हो गया बच्चों एओ बाई बी ओ इक्वल ओ सी बाई डी ओ ओके, एओ बाई बी ओ इक्वल टू ओ सी बाई डी ओ प्रूव। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है ना इसका कॉन्वर्स है, क्वेश्चन नंबर 10 जो इसका कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स मीन्स नीचे से आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ना इसका, पहला ऑल्टरनेट करोगे इसको नीचे से आएगा, हम यहाँ पर लास्ट में ऑल्टरनेट हुआ, ऑल्टरनेट होने के बाद प्रूव हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 10 है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका कॉन्वर्स है, ये दिया होगा ए बाई बी ओ इक्वल ओ सी बाई ओडी दिया होगा, हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू डी सी और ए बी सी डी जो ट्रैपेज़ियम उसका कॉन्वर्स उल्टा करना है, तो हमको उल्टा में जाना है, हमको उल्टा में जाना है, पहला ये दिया होगा उसको ऑल्टरनेट करोगे, ऑल्टरनेट करके इसे उल्टा में जाना है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ में लास्ट ऑल्टरनेट किए ना एस लास्ट ऑल्टरनेट किए, यहाँ पर ऐसा दिया होगा फिर ऑल्टरनेट करके ऐसा आओगे यहाँ से जाओगे पीछे से जाओगे, सेकंड क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसे कन्वर्स और उल्टा जाना है, जैसे 9 का उल्टा जाना है। ओके, गिवन है, सेम फिगर बच्चों बनाओगे, सेम फिगर बनाओगे बच्चों। हमारा ए बी ए सी डी साइकिल में जाओगे, हमें प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू डी सी। डिटो फिगर होगा बच्चों, डिटो डायगोनल भी ज्वाइन होगा। वही क्वेश्चन का ये कन्वर्स है, डिटो फिगर होगा। गिवन है देखिए, गिवन है देखिए, एओ बाय क्या बी ओ इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। बच्चे इसमें पहले ऑल्टरनेट कर दोगे, क्योंकि हम 9 क्वेश्चन में यात्रा ये दोनों को स्वैप होगा, ये दोनों एक्सचेंज होगा। ये एओ बाई इंटू सी ओ इधर डिवाइड होगा, और बी ओ इंटू बी ओ डिवाइड बी ओ उधर इंटू होगा। इसे इक्वेशन मान रखोगे, ये बहुत हेल्प होगा। ये गिवन है, इसका स्टार्टिंग से ही इसको ऑल्टरनेटो कर दोगे, ये बाई ऑल्टरनेटो। बाई ऑल्टरनेटो ओके, स्टार्टिंग से ही कर दोगे, ये हेल्प होगा बच्चों। ओके, हमारा AO by OC करोगे, डिवाइड OC सॉरी इंटू OC डिवाइड होगा, और BO by DO करोगे। ओके, ये गिवन है बच्चे, हमें ये प्रूव करना है ABCDJ ट्रापेजियम, और हमें प्रूव करना है ये ABCDJ ट्रापेजियम, और हमें प्रूव करना है योर AB पैरेलल टू DC। बच्चे यहाँ पर भी सेम कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन किसी एक के साथ कर लो, किसी एक के साथ सेम कंस्ट्रक्शन आएगा, किसी एक के साथ होगा सेम कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ओ ई हो सर, और ई हो जो भी हो, ड्रॉ ई हो पार्लर टू डी सी एक के साथ है तो कंस्ट्रक्शन ये ड्रॉ EO पार्लर टू DC। अच्छा बच्चों, मैं इसको प्रूव कर दूं, देखो इसे मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद जाके तुम्हारा होगा। ओके, हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ EO पार्लर टू किसे, EO पार्लर टू DC ये कंस्ट्रक्शन करना है। अच्छा बच्चों, इसका बीपीटी हम डाल देंगे। देखो हमें, देखो यहाँ पर लास्ट फिगर में ए बाई डी दोनों को प्रूव किए थे, यहां पर क्या होगा अगर हम प्रूव कर देंगे, सुनो, हमें एबी पार्लर टू डीसी करना है। अगर हम ईओ पार्लर टू एबी हम अगर कर लेते हैं, अगर ईओ पार्लर टू क्या कर लेते हैं, एबी पार्लर का ईओ पार्लर टू एबी कर लेते हैं, ईओ पार्लर टू एबी कब आएगा, जब ए बाई ईडी इक्वल टू बीओ बाई ओडी आएगा, यहाँ बी ओ बाई ओ डी है। ओके, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो किए यो पार्लर टू किसे डी सी, जहाँ बीपीटी, जहाँ पार्लर देखा तो पहला बीपीटी डाल दो। तो पहला देखो प्रूफ, अगर तुम बच्चो यो पार्लर टू ए बी कर दोगे, यो पार्लर टू ए बी कर दोगे, तो यो ए बी से पार्लर है, यो डी सी से पार्लर है, देन ए बी पार्लर टू डी सी होगा। हमें यहाँ प्रूफ करना है यो पार्लर टू ए बी, अगर यहाँ पे यहाँ हम तो कंस्ट्रक्शन किए ईओ पार्लर टू डीसी, इसका बीपी डाल देंगे, लेकिन अगर तुम प्रूव कर दोगे ईओ पार्लर टू एबी, ईओ पार्लर टू एबी कब बनेगा, जब पर ए बाय क्या ईडी इक्वल टू बीओ बाय क्या होगा ओडी, जब ए बाय ईडी इक्वल टू बीओ बाय डी हो जाए, ईओ पार्लर टू एबी होगा, फिर ईओ पार्लर टू डीसी है, ईओ पार्लर टू डीसी बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये इसे पार्लर है, इसे पार्लर है, देन एबी पार्लर टू डीसी होगा। लेकिन हमें प्रूफ करना है, सुनिए, हमें प्रूफ करना है यो पार्लर टू एबी, यो पार्लर टू एबी तभी बनेगा जब ए बाई ईडी इक्वल टू बीओ बाई ओडी कर सकते हो। अगर तुम ले आओगे ए बाई ईडी इक्वल टू बीओ बाई ओडी, देन यो पार्लर टू एबी होगा, फिर यो पार्लर टू डीसी बाई कंस्ट्रक्शन है, तो ये तीनों लाइन पार्लर लाइन होगा, देन ए बी पार्लर टू डीसी हो जाएगा, देन ए बी सी ट्रैफिक जम हो जाएगा।
तो पहला देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन के यू पी पार्लर टू डीसी, जहां पार्लर देखा तो डीपी डाला प्रूफ यू पार्लर टू डीसी बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसका बीपीडी बच्चों क्या आएगा, यू पार्लर टू दैट ए बाई ईडी इक्वल टू एओ बाई ओसी आएगा, ए बाई ईडी इक्वल टू एओ बाई ओसी इक्वेशन टू। अच्छा एओ बाई ओसी किससे इक्वल है, एओ बाई ओसी किससे इक्वल जानते हो, बीओ बाई डीओ। ओके यहां पर लिखोगे फिर एओ बाई ओसी किससे इक्वल है, डीओ बाई डीओ से इक्वल है। अच्छा ये एक्चुअली ऐसा नहीं था, ये एओ बाई ओसी इक्वल बीओ बाई डीओ नहीं था, तुम्हें क्या करना है स्टार्टिंग से इसको स्वाप कर देना है, ऑल्टरनेटो कर देना है, सीओ इधर आएगा बीओ, जब तक ये ऑल्टरनेटो नहीं करो होगा नहीं प्रूफ। तो जब ये गिवन है ना स्टार्टिंग में ही इसको ऑल्टरनेटो कर दोगे, सीओ इधर आएगा बीओ उधर जाएगा, और उसको इक्वेशन मान दे दोगे। ओके और यहाँ पर इक्वेशन वन ये तुम्हारा, ये दोनों में ए बाई ओ बी, तो दोनों में क्या कॉमन है, ए बाई ओ सी दोनों में कॉमन कौन है बोले, तो फिर हमारा में लिखना ये गलत क्या हो गया इधर, सर 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 ए बाई सी ए बाई सी इक्वल बी ओ बाई डी सर, ए बाई ओ सी इक्वल टू, मैं थोड़ा ये गलत लिखा हो गया, एओ बाई क्या है ये सीओ, एओ बाई सीओ इक्वल टू, अच्छा दोनों में देखो ये एओ बाई सी इक्वलाइज कर देगा। ओके फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ओके फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इक्वलाइज इक्वलाइज AO by CO, जब इक्वलाइज हो जाएगा RHS, ये दोनों जब इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाए, AE by ED equal to BO by DO हो जाएगा, AE by ED equal to BO by क्या DO, देखो बच्चा हमारा प्रूव हो गया, AE by ED equal to BO by DO, देखो जब पर AE by ED equal to BO by DO हो गया देन EO parallel to AB हो जाएगा, जब ये हो गया देन EO parallel to किसे हो गया AB, यो पाला डेबी का क्या रीजन है, जब द्वारा ए बाई ई डी इक्वल टू बीओ बाई ओ डी हो गया देन यो पाला टू एबी क्या रीजन है, कन्वर्स बीपीडी थ्योरम, कन्वर्स बीपीडी सर, ओके बाय बीपीडी कन्वर्स, ओके या कन्वर्स बीपीडी जो भी बोलो बाय बीपीडी कन्वर्स, जब यो पाला टू एबी हो गया, जब ईओ पार्लर डे भी हो गया, ईओ पार्लर टू डीसी हम किए थे बाय कंस्ट्रक्शन, ईओ पार्लर टू डीसी हम किए थे बाय कंस्ट्रक्शन, तो ईओ जो है वो एबी से पार्लर ले, फिर ईओ जो है डीसी से पार्लर ले, विच इंप्लाई दैट एबी पार्लर टू क्या हो गया डीसी हो गया, या तीनों लाइन पार्लर हो गया, यो एबी से पार्लर हो गया, यो डीसी से पार्लर हो गया, तीनों लाइन पार्लर हो गया तो एबी पार्लर डीसी हो गया, तो एबी से डीजे वाट ट्रापेजियम, ठीक है यस सर। अच्छा देखो ये प्रूफ कैसे हुआ, हम लोग हम क्या के पहला इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ये दिया था इसको पहले से ऑल्टरनेट कर दो, ऑल्टरनेट मीन्स क्या है, स्टार्टिंग में इसका जब क्वेश्चन देता है तो पहले ऑल्टरनेट कर दो, ए बाय सी ओ ए बाय सी ओ बी ओ बाय डी ओ कर दो स्टार्टिंग में, ये एक इक्वेशन है। अब एक कंस्ट्रक्शन करो ए पार्लर टू डी सी, इसमें भी आएगा हमें चाहिए क्या कॉमन चाहिए, ए बाय सी ओ चाहिए और बी ओ बाय डी ओ चाहिए, बी ओ बाय डी ओ कॉमन हो जाएगा, दोनों में बी ओ बाय डी ओ कॉमन हो जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा जब ये तुम्हें कंस्ट्रक्शन किए एओ बाई ए बाई ई डी इक्वल एओ बाई ओसी वा, ओके और ये गिवन था क्या एओ बाई सी ओ इक्वल बी ओ बाई डी ओ, ये कॉन्स्ट्रक्शन किए तो ए बाई ई डी इक्वल एओ बाई सी ओ
और गिवन था एओ बाय सीओ इक्वल टू बीओ बाय डीओ, दोनों में एओ बाय सीओ को इक्वलाइज कर देगा, किससे इक्वलाइज कर रहा है, ए बाय डी इक्वल टू बीओ बाय डीओ, तो ए बाय डी इक्वल टू बीओ बाय डीओ हो गया, तो ये ऐसे पैरेलल है, पर ये तो गिवन था, और एक आया ए बाय डी इक्वल टू एओ बाय सीओ, और इसमें भी एओ बाय सीओ दोनों इक्वलाइज करने से ए बाय डी इक्वल टू बीओ बाय डीओ हो जाएगा, जब एओ बाय डी इक्वल बीओ बाय डीओ तो ई ओ पैरेलल टू एबी हो जाएगा बाय बीपीडी कन्वर्स। ओके जब ये से पैरेलल हो गया तो ये इसे पैरेलल है, ये इसे पैरेलल, तीनों लाइन पैरेलल है, तो ये पैरेलल डीसी हो जाएगा, जब ये पैरेलल डीसी हो गया तो एफिशिएंसी ट्रैपेज़ियम। लेकिन इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात है याद रखना है, जब ये क्वेश्चन है स्टार्टिंग में इसको ऑल्टरनेट में करना। ओके क्योंकि हम नाइन्थ में लास्ट ऑल्टरनेट किए थे क्वेश्चन नंबर नाइन, इसका जो ये है ये उसका कन्वर्स क्वेश्चन है, उसका कन्वर्स क्वेश्चन है, लास्ट ऑल्टरनेट किए थे तो इसका स्टार्टिंग में इसको ऑल्टरनेट करो। ये क्वेश्चन आना है, ये कॉन्स्ट्रक्शन इसमें एक तो आएगा बीपीटी, ये आएगा दोनों में ए बाई ओस इक्वलाइज कर, ये आएगा देन इससे ये पैरेलल होगा, उस पैरेलल तीनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, देन ये ट्रैफिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना रहने दीजिए।